हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 6:34। आज ब्लॉगिंग बहुत लेट चालू की और वीडियो भी लेट अपलोड हुआ क्योंकि आज एडिटिंग करी ही नहीं मैंने पूरे दिन, क्योंकि आज कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का और फिर लेट अपलोड हुई। फिलहाल अभी हम छत पे भी जाएंगे थोड़ी देर में, अंदर रयू है और फ़ोन देख रहा है और बहुत ही गर्मी हो रही थी तो आज कूलर भी चलाएंगे, पानी भी भर दिया कल। बैठे बैठे बस फ़ोन देखता रहता है। क्या देख रहा है, क्या छुपा गया है, क्या देख रहा है? चल उठ जा, अंदर बैठे बैठे क्या कर रहा है, चल उठ। मैंने डांटा तो भाग गया। तो एक बार जल्दी से कूलर को ऑन कर लेते हैं। कूलर की हवा के सामने मजे लेते हुए रयू, मजे आ रहे हैं इससे कूलर की हवा के सामने। बहुत ज़्यादा ही तेज़ चल रहे थे, इसे बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है? तो हम सब एक बार तरबूज भी खा लेते हैं। महाशय, तुम्हारे तरबूज आ गए हैं। पूरे टाइम फ़ोन में लगा रहता है। चलो फ़ोन दो, दो फ़ोन दो। ये भागेगा, ये भागेगा, फ़ोन दो। चलो भाई तरबूज खा लो। फाइनली तरबूज खा रहा है, बाकी फोन में गेम खेलता रहता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, चाय पी लो। रयू चाय पी रहा है तो चाय पी लो बोल रहा है। तो अभी गुड मॉर्निंग नहीं क्योंकि आज सुबह नहीं हुई है, अभी तो शाम हो गई है। तो गाइस अभी हम थोड़ा घूम लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और मैं छत पर आया हूँ और सनराइज भी अभी तक नहीं हुआ है और बर्ड्स इधर उधर उड़ रही हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और आज 12 जून है तो आज कुछ स्पेशल है शायद, तो वो भी दिखाएंगे जल्दी। फिलहाल मैं छत पर घूम रहा हूँ और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, तो बर्ड्स इधर उधर जा रही हैं और बहुत मतलब सुंदर हो रहा है। उधर बर्ड्स पेड़ों पर बैठी हुई हैं। वहाँ पे अभी सनराइज़ होने वाला है, अभी हुआ नहीं है और बहुत ही सुंदर मौसम, वहाँ पे अभी सनराइज़ होने वाला है। देखो वहाँ पे इतना सा सूरज निकल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। पहले इतना सा था और कुछ ही सेकंड्स में ऐसे बाहर आया और बहुत ही सुंदर हो रहा है। वहाँ पे पता नहीं एक ही ऐसा पेड़ है जहाँ पे सारे पैरेट्स वहीं पे आकर बैठ रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या पार्टी हो रही है उनकी। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 6:48 और अभी बहुत ही अजीब सा मौसम हो रहा था। उधर उधर बादल छा रहे हैं तो धूप कभी आ रही कभी नहीं आ रही है। उधर की तरफ जंगलों में अभी धूप है ही नहीं और उधर से आ रहे हैं काले बादल। अच्छा, यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:00। मैं कमरे में हूँ अभी और रयू का वीडियो शूट करूँगा, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा। हाँ, आज मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है और साल तो बहुत हो गए हैं, तो अभी रयू का वीडियो बनाएंगे। मैंने अभी उनको सरप्राइज़ देने के लिए सबको कहा है कि सब वीडियो भेजें, तो अभी सब वीडियो भेजेंगे। रयू का भी बनाएंगे तो एक बार रयू का बना देते हैं। एनिवर्सरी नहीं, एनिवर्सरी गाइस, रयू एनिवर्सरी बोलने में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करें, रीटेक पे रीटेक ले जा रहे हैं। गाइस फाइनली बन चुका है वीडियो, इसने पहले तो हैप्पी एनिवर्सरी धीरे से बोला, फिर मम्मा पापा बोला मम्मा पापा ऐसे जोर से, तो ये बहुत कंफ्यूज हो रहा था एनिवर्सरी बोर्ड में, पहले कभी बोला नहीं है तो आज पहली बार बोला इसने। तो वही अभी टाइम हो रहा है 6:10, मैं कमरे में हूँ और वो वीडियो रेडी हो चुकी है मम्मा पापा को सरप्राइज़ देने के लिए,
जिसमें मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को कहा कि आप वीडियो भेजो ऐसे एनिवर्सरी विशिंग की, तो वो अच्छा रहेगा और मम्मा पापा को भी एकदम से सरप्राइज़ मिलेगा कि इतने सारे लोगों ने वीडियो बना के विश किया, और यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स तक ने। तो वो वीडियो अभी मैंने बनाई है और बनाऊँगा थोड़ी सी, अभी कुछ लोग और भेजेंगे तो और बनाऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं कमरे में हूँ, रही हूँ, मम्मा पापा तो रेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:00, हम हैं छत पे और हवा भी अच्छी चल रही है। ये रैयू पीछे हवा के मज़े ले रहा है और नाइशा को बुला रहे हैं, और नाइशा भी जल्दी आ जाएगी और वो तो पैनकेक्स एंजॉय कर रही है, अपने यहाँ पे रोज़ पैनकेक्स बनाती है, पैनकेक की एक्सपर्ट हो गई है। नाइशा का स्केटबोर्ड आ चुका है, ये हमारा फ्रेंड रुद्र जो बहुत ही अच्छे से चला लेता है, इसने तो कल परसों ही सीखा था और स्केटबोर्ड चलाना सीख गया एक दिन में, और ये भी पार कर लिया। काश मैं भी इसे एक दिन में सीख पाता। वहाँ पे अभी बहुत सुंदर सनसेट हो रहा है, ऑरेंज कलर का, बादलों में ही छुप जाएगा, पहाड़ के नीचे शायद जाएगा ही नहीं, और बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो रहा है और बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है। गाइस नाइशा का पोपट रुक चुका है, नाइशा अपनी स्केटबोर्डिंग करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे आकर यूं टकराई। तो गाइस पिज़्ज़ा, पास्ता और गार्लिक ब्रेड सब कुछ आ चुकी है, नाइशा यहाँ पे एंजॉय कर रही है। ये क्या था, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। नाइशा को अपना चेहरा दिखाना है। ये रुद्र है, हाय, और ये तो आप जानते हैं नौटंकी खोर। हैप्पी एनिवर्सरी टू मम्मा, थैंक यू। पापा भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी मैंने खाना खाया, जब तक इन लोगों ने पूरे इनने सब कुछ बिखेर दिया और मेरे गेम के सारे नोट्स बिखेर दिए। मैंने बहुत मेहनत से बिखेरा है, मैं इन्हें सारे होम लोन दे रहा हूँ, पैसे नहीं पड़े। गाइस मेरा अच्छा खासा लाइव गेम के पैसे जमे हुए थे, इनने सारे पैसे मिक्स कर दिए। तो गाइस हम थोड़ा गेम खेल लेते हैं, लाइव गेम, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फाइनली केक आ चुका है, दोनों घूर के देख रहे हैं इसे, रैयू भी घूर के देख रहे हैं पापा के साथ। बहुत ही सुंदर केक है, ये लो ये। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, हैप्पी एनिवर्सरी टू मम्मा पापा। रुद्र भैया जरा पक्का चलो तो भाई बहनों, बड़े पापा यहाँ पे फोटो खिंचवाने आ गए। तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर भी कर देना। तो तब तक के लिए जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।